सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं राहुल स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्वामी व्लॉग पे। दोस्तों आज का व्लॉग हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का व्लॉग हम कुछ ऐसा बनाएं क्योंकि ये देखिए आप सभी के लिए मोटो व्लॉग है ना। तो आज के बाद हम एक दो हमारे चैनल पर कभी कभी मोटर व्लॉग भी बनाया करेंगे, मतलब बाइक के ऊपर चलते हुए व्लॉग हम बनाया करेंगे। ये अभी मैंने जस्ट न्यू परचेज किया था। लगभग अगर आप भी चाहते हो मोटर व्लॉग बनाने के लिए, थोड़ा सेटअप आता है, अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। हेलमेट के आगे सेट होता है और इससे वीडियो बनती है। फिर जिधर जिधर आप जाते हो, आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज हैं, बहुत सारी यूट्यूबर जो यूट्यूबर हैं अपने जो मोटर व्लॉग भी बनाते हैं। तो आज से हम भी ट्राई करेंगे मोटर व्लॉग बनाने की, देखते हैं कैसा रहता है, ठीक है। तो आज मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने, फिलहाल तो फारुकनगर से सुल्तानपुर जाऊँगा। तो पहला हमारा मोटर व्लॉग है, ज़बरदस्त शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले न्यू ज़बरदस्त धांसू मोटर व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए बस ट्राई करते हैं फिर मोटर व्लॉग की शुरुआत, और आप सभी का साथ रहा तो ज़रूर हमारा ये पहला मोटर व्लॉग है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कैमरा घूम रहा, क्योंकि यार आपको पता ही है पहली बार में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। भी आपको कमी लगे वो हमारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइए कि भाई साहब ये कमी है, कैमरा सेटअप का ऊपर नीचे का है या फिर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, जो भी एट द एंड, क्योंकि आप लोग जब कमियाँ बताओगे तो शायद मैं उसके ऊपर सुधार कर सकूँ, है ना। अच्छे कॉमेंट भी करिए और कमियाँ भी बताइए ताकि मैं सुधार कर सकूँ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, ठीक है। तो लेट्स ट्राई करते हैं, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियो में देखते रहिए राहुल स्वामी ब्लॉग। मिलते हैं फिर मोटर व्लॉग। ये हुआ रफ्तार के साथ हमारे पीछे से निकले हैं, कार रोड में दिक्कत है आपको पता ही होता ही है ना। तब भी कोई लोकल रोड नॉर्मल रोड मेन रोड से मिलता है तो या तो कच्चा होता है नॉर्मल पक्का होता है। खैर चल पड़ा है। ये देखिए रात, कल रात को थोड़ा बरसात आई हुई थी तो ये हाल हो चुका है यहाँ पे। अरे अरे बाबा बाइक का ये आ रहा मेन रोड आपका, और इधर से बाइक आ रहा है और ये चल पड़े जबरदस्त लोग है ना। दोस्तों ये हमारा पहला मोटर व्लॉग है, ठीक है। हो सकता है मैंने आपको पहले ही बताया वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, कैमरा वीडियो में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे कहना तो जरूर आप यार हमें सजेस्ट कीजिए, बताइए कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है ताकि हम उन प्रॉब्लम्स का सलूशन कर सके, ठीक है। और जहाँ तक हो सके, मैंने कल एक ट्रायल लेके भी देखा था तो जहाँ तक हो सके मेरी प्रॉब्लम नहीं भी आई, लेकिन नहीं बात है क्या पता प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो हमें करता है उसको करो सी भाई साहब उसका। हाँ यहाँ थोड़ा ऐसा क्या ट्रैफिक होता है ना, क्योंकि ये थोड़ा मेन रोड से अलग चढ़ता है और थोड़ा यहाँ पर रोड भी पूरा खराब है तो ट्रैफिक यहाँ कभी कभी होता है। और कल की बरसात के कारण तो बहुत ज़्यादा मैं भी आपको देखने को मिलेगा। ये कीचड़ भाई साहब बुरा हाल, ये देखिए। तो आज हम जा रहे हैं, आपको बताता हूँ मैं, हम जा रहे हैं सुल्तानपुर टक्सी विहार, वहां तक आपका सफर आज ही रहने वाला है। मेरी आकत अरे आगे गाड़ी जा रही है, आप देख ही रहे हो यहाँ से। ऐसा रुकिए यार, हमें आपसे ज्यादा बोल दिया हमारा ये व्लॉग अच्छा जाए, कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार की, तो इससे निकल के आ गए अपन, ठीक है। थोड़ा ऐसा बोलो भाई साहब, अपन दोनों साइड आ गए, इस तरफ लेते हैं थोड़ा कि बाइक है ना इस तरफ से जल्दी निकलता है,
क्योंकि उस तरफ गाड़ियां सामने से आती है तो दिक्कत होती है, इस तरफ थोड़ी बहुत जगह लग जाती है तो साइड में भी दिक्कत ना हो, है ना, निकल रहे हैं अपने को। और ये गाड़ी थोड़ी 22 सीटी गाड़ी है तो रास्ता जाने में उसको तकलीफ होगी। लेकिन भाई साहब हमारा भी फिर देखते हैं इसे। ये लगाया हो रहा नक्कल ने, और ये खास भी भाई इतना दम है मेरे भाई, हमारे बैक बिल्कुल ऐसे अगर हम चले गए हमारी वीडियो हो जाएगी आधे घंटे की। तो सर मुड़ा है ये छोटे छोटे बच्चे बच के भाई बच के, है ना, जबरदस्ती बैठ गए होते कम होता है यार, थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जब भी ये थोड़ा मार्केट ऐसा है, फारूक नगर का मार्केट थोड़ा यहाँ रहता है, थोड़ा चिल्लम चिल्ला भीड़। आई होप आप इंजॉय कर रहे हो, ये फारूक नगर का बाजार है, यहाँ से ये एक रोड चला जाता है आपका झज्जर और ये जाता है गुड़गांव। तो हमने जाना है गुड़गांव की तरफ, और यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर चलने के बाद आपका आएगा सुल्तानपुर। थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया भाई साहब। सुल्तानपुर पक्षी भी यार आपने नाम सुना होगा, किताबों में जरूर सुना होगा, है ना, साइंस में या एसएस में सामाजिक विज्ञान में आपने देखा होगा सुल्तानपुर पक्षी विहार के बारे में, ठीक है। हाँ वही है, अपने को चलना है साइड से निकलते हैं, इस लाइन में दिक्कत दे रखा हुआ तो ना हमने सोचा साइड से निकाल लें। अरे भाई जी जबरदस्त ऐसा हमारा पहला फोटो लोग है, और ये लोग देखिए लोग मतलब देख रहे हैं भाई साहब इस बंदे ने ऐसा क्या सेटअप कर रखा है, बाइक के आगे सॉरी हेलमेट के आगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। जिन्होंने नहीं देखा उनको तो लगता है जी कुछ लोग तो मोटर व्लॉग देखते हैं, एक बड़े बड़े यूट्यूबर हैं यार, लोग देखते हैं, लोग चाव से देखते हैं। तो मैंने भी सोचा तो ना हमें भी एक मोटर व्लॉग की शुरुआत करनी चाहिए, है ना, देखते हैं एक्सपीरियंस अगर सही रहा तो अगर डेली भी तो कभी कभी तो बना ही लिया करेंगे, अपना क्या जाता भाई साहब, उधर उधर को जाना ही होता है अपने को भी। बाइक अपने पास बड़ी नहीं है, स्पोर्ट्स बाइक है नहीं है अपनी, एचएफ है, इसी के ऊपर बनाते हैं बाइक, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बच बच ऐसे निकलना पड़ेगा भाई, मतलब लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। रोड अपना अभी ये मिलेगा बाईपास में जाके, जहाँ झज्जर बाईपास निकलता है वहां जाके ये रोड मिलेगा, और इससे भी हम पीछे छोड़ देते हैं। अब ये चल पड़ी अपनी धूम धड़ाके से बाइक, भैया आई ना होगा आप लोगों को, अगर नहीं भी आ रहा तो कोशिश करेगा आपको आए भैया, अब ये लगा दी भाई साहब अभी आप उनके लिए रोजगार के बहुत अच्छे अवसर है जबरदस्त है। ये
कोई एजेंसी वाला कोई ड्राइवर नहीं, अभी हम गलत तो नहीं आएंगे, मुझे को लगता है हम गलत आएंगे। ये कहा है वो सर, वो तो बहुत गंदा रास्ता है। चलो कौन है एक्सपीरियंस कितना एक्सपीरियंस है ऊपर चलने का कोई रास्ता मेरे को दिख नहीं रहा, तो मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, गुड़ गया ऐसे हम तो पूरा उल्टा बैठ गया अपना यार, सही बता रहे मेरे को आना नहीं था। हम तो अलग 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 में ऐसी तैसी ऐसा हुआ हम किसी को यूट्यूबर के साथ ना कर रहे हैं, हम तो कैसे हुए अरे भाई कहाँ चले जा रहे हो सामने जी, तो दिक्कत ना हो जाए भाई साहब। भाई साहब क्या ही बताए, चलो चल पड़े ओवरहेड होगी ओवरहेड भी जरूरी है ना, पहला भले ये फ्रेंड अच्छी है टूटी हुई है ना ऐसी बाइक है कहाँ टूटी है इतनी लंबी है, अरे भाई पंचर हो गया बचा लो कहाँ गया भाई सीएम तो गलत बैठ गया। अब भाई अब क्या अब तो यहाँ से चलेंगे ना, तू यहाँ तो कौन से कम आ जाता है, चूती आ गया कहाँ जाएगा आगे। ओ भाई खड्डे कहाँ निकल गया, एक मिनट के कारण दिक्कत हो गया, कहाँ कहाँ चले गए भाई, अभी भी रोड में लगी तो बनना में हम निकले पड़े। और ये चढ़ा रहे भाई साहब यहाँ से अगर मिल जाए रास्ता ये मिला अपना रास्ता, अरे भाई भाई साहब कहाँ हो गए यार तुम, मेरा सीने उल्टा बैठ गया, ये अभी मिला रोड भाई जब इतना दिक्कत हुई थी ना, ओ भाई मेरे को तो लगा था क्या पता कहीं से ले गए, पहले लोग नहीं मतलब सिट्टे पिट्टे बड़ी करके चली, अरे भाई मतलब आपकी एक गलती आपको बहुत दूर तक ले जाती है, ये बात सुनी थी आज पता भी लगती है ना, एक छोटा सा सेट कर हाँ आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है आपकी लाइफ, सभी जिंदगी के साथ भी ऐसा ही सीन है भाई, आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत दूर तक ले जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। लाइफ रूल तो यही कहता है कि भाई बच कर रहे ऐसी गलतियों से, गलतियां न करें आप है ना, मेरे से तो होगी सर कोई दिक्कत नहीं, अपना घर लोग बनना है जबरदस्त सीन है, तो क्या कहते हैं
रूट था यहाँ से आना था ट्रेन, लेकिन भैया की गलत आ गई और ये फाटक है भाई। हाँ पुल बनना चाहिए लेकिन धीरे धीरे होनी चाहिए, एकदम से तो कहाँ से हो गए, गवर्नमेंट सली करती हूँ पर धीरे धीरे हो जाएगी। बाइक वाले का ये तो है कि आराम से निकल जाती है सड़क से बाइक, है ना, ये दिक्कत परेशानी नहीं होती। ये बस बीच में खड़ी कर दी, ये नहीं होता कि भाई फाटक लगाया हुआ है, वैसे ही ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है तो देखना चाहिए कि भाई हाँ तो कहाँ से निकल गई। पर भाई साहब देख रहे हैं ये क्या लगा रखा है लैंडो में, ठीक है तो पर वीडियो सुन अच्छा है अपना। ये हम चले गए भाई साहब, देखते हैं अभी तक तो ठीक ही ठाक है, जितना सीधा दिखा उतना ही गरीब लोग दिखाई दिया इसके अंदर आगे पैसे सुल्तानपुर झील भी है इसके अंदर, जबरदस्त सीन होने वाला है, अब तो मैं दिखाऊंगा। तो इसका एक भी गेट है, इसमें अजीब तरह तरह के जीव है, हिरन वगैरह काफी चीजें सुना है वैसे मैंने, है लेकिन अच्छे लोग जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। ऐसे किताबों में पढ़ने से या मतलब वीडियो भी मैंने देखी थी, यूट्यूब पर देखी थी, लेकिन देखने से अच्छा क्या साक्षात दर्शन करे, है जागे खुद तब मगर मजा आता है यार घूमने में। तुम्हारा भाई पता ही है तुम्हें कि घूमने में जा रहा है तो सकता है ये भी गया था, लेकिन ये भी मेरे को लगा नहीं कि मैं गया था, ये है इसका मैं गया था, है ना, वो लगा हुआ है यहाँ पे पेड़। अरे अभी हमने पीछे देख के अभी मैं अरे मोड़ता हूँ बाइक अपनी, तब बस आ रही है इधर से ट्रैफिक आ रहा है, उसी में बैठ गया। ये गाड़ी यहाँ 24 घंटे सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है गाड़ी, और ये बच्चे भी काफी आए हैं यहाँ पे, वाले भाई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। ये अपने बाइक का भी स्टैंड है, ठीक है भाई पहुंच गए। ये था आपका सुल्तानपुर पक्षी विहार, ठीक है अब देख ही रहे हो, बाकी आगे की वीडियो में आपको आगे के व्लॉग में दिखाऊंगा कि कैसे रहने वाला है, कुछ बच्चे लोग आए हैं आप देख सकते हो, ठीक है मिलते हैं एक और जबरदस्त व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।